हेलो फ्रेंड, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल ऑन विस्कोसिटी, मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज मास डेंसिटी। सो व्हाट इज मास डेंसिटी? आप सबको पता ही है, मास डेंसिटी इज मास टू द वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास डेंसिटी। क्लियर? जिसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद में हमने देखा था स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। सिंपल है, वेट डेंसिटी भी क्या है? इट इज़ रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम। ओके, मास अगर ले रहे हो, मास टू द वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो तो मास डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो तो वेट डेंसिटी। अब वेट को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी। तो हमें मिलेगा रो इंटू जी। वेट डेंसिटी हमें क्या मिलेगा? रो इंटू जी, मतलब मास डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद भी हमने देखा था स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। इट इज़ जनरली रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर? इसके बाद में हमने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी भी है, जो मैंने पिछली बार बताया था। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम का दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी भी। सो व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। मतलब हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस के साथ किसी चीज़ की डेंसिटी का कंपैरिजन करने वाले। जिससे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज यू वांट टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ एनी ऑयल, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी ऑयल, तो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ दैट ऑयल टू द डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिक्विड के लिए हमें वाटर कंसिडर करने वाले। ओके, मतलब किसी भी लिक्विड को हम कंपेयर करेंगे वाटर के साथ, और किसी भी गैस को हम कंपेयर करेंगे एयर के साथ। क्लियर? हमें ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस हम लेने वाले हैं वाटर को। ओके, या इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल विल बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी मास डेंसिटी ऑफ पेट्रोल टू द मास डेंसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज पेट्रोल इज ऑल्सो लिक्विड। और इससे क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है तो आप उस चीज़ की डेंसिटी निकाल सकते हो, या फिर आपको डेंसिटी मालूम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो। अब देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6, तो डेंसिटी कितनी आएंगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर उधर गया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000, मतलब 13.6 इंटू 1000, यह आएगा 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर? सिंपल सा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, मे बी दो मार्क के लिए आ भी सकता है। कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है? उसका वेट दिया है, ध्यान में रखो, ये मास नहीं है। न्यूटन में वेट रहता है और मास केजी में रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपको वेट दिया है और वॉल्यूम दिया है कितना? 1 लीटर। ओके, 1 लीटर इक्वल्स टू 10^-3 मीटर क्यूब, ये ध्यान में रखो, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? 1 लीटर मीन्स 10^-3 मीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब आपको निकालना स्पेसिफिक वेट। वेट मतलब क्या है? स्पेसिफिक वेट मतलब क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट दिया है 7 और वॉल्यूम दिया है 10^-3, तो क्या होगा?
7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, सिमिलरली डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी आप स्पेसिफिक वेट से निकालेंगे। स्पेसिफिक वेट मतलब रो इंटू जी, मतलब वेट डेंसिटी इक्वल्स टू मास डेंसिटी इंटू जी, तो आपको निकालना है रो। तो आप इस जी को इधर जाने दो, ये होगा जी, तो 700 डिवाइड बाय 9.81 आपको मिलेगा 713.5 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी। अब देखो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने अभी अभी निकाली 713.5 और वाटर की डेंसिटी 1000 है, तो वो क्या आएगा 0.7135। वो यूनिट लेस है क्योंकि वो रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। ये ऐसे न्यूमेरिकल आपको दो दो मार्क के लिए आ सकते। दूसरा न्यूमेरिकल हम देखेंगे, कैलकुलेट द डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है? आपको दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 लीटर। 1 लीटर मतलब आपको मालूम है 10^-3 मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7। पूछा क्या है? डेंसिटी। बहुत सिंपल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा डेंसिटी, वो आएगा 700 केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट रो इंटू जी, 700 × 9.81 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट मीन्स वेट डेंसिटी, और आपको निकालना है अभी वेट। तो स्पेसिफिक वेट से हम वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट हमने अभी निकाला है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वेट क्या आएगा? 6.867 न्यूटन। बहुत सिंपल है, दो मार्क के लिए आ सकते हैं क्वेश्चन, जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं लिए थे इसलिए इसको ठीक से लिया। अब पिछले लेक्चर्स में हमने विस्कोसिटी देखा क्या था। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज नथिंग बट दी अपोजिशन टू द फ्लो। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड टू द फ्लो इज नथिंग बट विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी इज डिफाइन एज प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। मतलब अगर ऐसे दो लेयर है तो ये दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा। वो फ्रिक्शन होता है दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। क्लियर? अब ये हमने पिछली बार भी देखा। सपोज वी आर कंसीडरिंग टू लेयर। पहला लेयर है जिसकी वेलोसिटी यू प्लस डी यू, दूसरा लेयर है जिसकी वेलोसिटी यू है, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? डी वाई। क्लियर? तो अब देखो ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी है यू प्लस डी यू, और नीचे वाले की वेलोसिटी है यू, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? डी यू। रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहता है? दोनों के वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। यू प्लस डी यू माइनस यू, यू कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिलेंगी डी यू। ओके, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर इज डी यू विथ रिस्पेक्ट टू लोअर लेयर। लोअर लेयर के विथ रिस्पेक्ट में अपर लेयर की वेलोसिटी डी यू है। क्लियर? जो पिछली बार मैंने बोला था ये पर लिखा, द टॉप लेयर कॉजेस शियर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट लोअर लेयर वाइल द लोअर लेयर कॉजेस शियर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट टॉप लेयर। दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। सो दिस शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको हम कहते हैं जो थियोरेटिकल में लिखे ये दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, और डी यू बाई डी वाई को हम क्या कहेंगे?
शियर स्ट्रेन। समझ में आ गया, दिस इज शियर स्ट्रेन। अब देखो ये प्रोपोर्शनल है, हमने कांस्टेंट पुट कर दिया तो हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई। ये म्यू जो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेयर म्यू इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी और ओनली विस्कोसिटी। डीयू बाय डीवाई रिप्रेजेंट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एक साइड में, बाकी चीज़ें एक साइड में, टाउ इक्वल्स टू डू यू बाय सॉरी डी यू बाय डी वाई। ओके, सो दस विस्कोसिटी आल्सो डिफाइन एज शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये भी उसके आना एक अलग डेफिनेशन हुई। मतलब हम तीन चार तरीके से विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें इस म्यू का यूनिट देखना है कैसे आया। जो म्यू क्या है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। तो डी यू क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डी वाई क्या है, चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो शियर स्ट्रेस का यूनिट क्या है, और शियर स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। आपको मालूम है स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लेंथ में कंसिडर करेंगे। तो इसको अगर हमने रीअरेंज कर दिया तो आपको मिलेगा फोर्स, ये लेंथ क्या है, डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर ऊपर जाएगा, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, ओके, वन बाय टाइम। तो देखा फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर, मतलब जो विस्कोसिटी का यूनिट आएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, लेंथ का यूनिट मीटर, तो लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ में आएगा, इसको सिर्फ अरेंज किया है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे हम पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल रहता है। ओके, नाउ अगला है, इसका पिछले में बोला था मैंने, इसका जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस क्या है बोलता हूँ, न्यूटन क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट है, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, आपने सुना होगा डाइन, टाइम तो सेकंड में से रहता है, और लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये जो मैंने इधर लिखा है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम पॉइस भी कहते हैं, पॉइस, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम पॉइस कहते हैं। ओके, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पास्कल सेकंड। समझ में आ गया, तो वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पॉइस, ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, या वन पॉइज इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पॉइज मतलब क्या है, पॉइज मीन्स, पॉइज इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम बेसिकली लिखते हैं डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट, जिसको पॉइस भी कहते हैं। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट है जो हमने पिछली बार नहीं देखा था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज वेरी इजी टू डिफाइन, इट इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, इट इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू, दिस इज नॉट वी, दिस इज न्यू। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू एंड न्यू इज नथिंग बट विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। समझ में आ गया, सो इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू।
सकते हैं। एंड उसका यूनिट क्या हो गया, अगर आप म्यू का यूनिट रख देंगे यहाँ पर और रो का यूनिट रख देंगे तो आपको बाद में मिलेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, और इसमें भी सीजीएस यूनिट है। इसका जो सीजीएस यूनिट है इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसको कहते हैं स्टोक। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, स्टोक। और डायनामिक विस्कोसिटी के सीजीएस यूनिट को हम क्या कहते हैं, पॉइस। ओके, इसका भी एक रिलेशन है, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स टू 10^4 स्टोक। क्लियर, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स टू 10^4 स्टोक। अंडरस्टूड? ओके, अब न्यूटन्स लॉ तो हमने देखा है, अब हम डायरेक्टली जाएंगे न्यूमेरिकल पे, बाकी की चीज़ हम बाद में देखने वाले। हाँ, ये न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। अब देखो, पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आ चुका है। कैलकुलेट द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल विच इज़ यूज फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन स्क्वेयर प्लेट ऑफ साइज 0.8 मीटर बाय 0.8 मीटर एंड इंक्लाइन प्लेन विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एज शोन इन फिगर। द वेट ऑफ द स्क्वेयर प्लेट इज 300 न्यूटन एंड इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड। थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज 1.5 मीटर। अब क्या क्या दिया है हम ठीक से देखेंगे। ये जो स्क्वेयर प्लेट दी है, ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है स्क्वेयर प्लेट है, इसकी इसका शेप कैसा है, ऐसा स्क्वेयर है। ये भी 0.8 और ये भी 0.8, या आपको साइड व्यू से सिर्फ एक ऐसा एक स्क्वेयर दिखेगा, लेकिन इसका जो साइज है वो ऐसे 0.8। क्लियर, अब दूसरा देखेंगे। ये जो जो स्क्वेयर प्लेट है वो एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव हो रही है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री, और स्क्वेयर प्लेट का जो वेट है वो कितना है, 300 न्यूटन। और ये जो ऑयल फिल्म है, मतलब स्क्वेयर प्लेट और प्लेन इसके बीच में जो ऑयल फिल्म ऑयल है उसका थिकनेस है 1.5 mm। क्लियर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो स्क्वेयर प्लेट है वो मूव हो रही है 0.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। समझ में आ गया, एक स्क्वेयर प्लेट है जिस जो एक सरफेस पर है और उसके बीच में ऑयल है, ऑयल का थिकनेस है वन, मतलब उस सरफेस और स्क्वेयर प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1.5 mm, जो ऑयल से भरा हुआ है। स्क्वेयर प्लेट का वेट है 300 न्यूटन और उसकी वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, अब हमें निकालना है इसका डायनामिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। ओके, तो शियर स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो वेट है वो हमें अलोंग द प्लेन लेना है, ये जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होना है हो रहा है। ओके, तो उसके दो कंपोजिशन रहेंगे, अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमें लेना है अलोंग द प्लेन क्योंकि हमें शियर स्ट्रेस निकालना है। तो शियर कब होगा, इस डायरेक्शन में शियर होगा, बराबर, इस डायरेक्शन में शियर नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस वेट का अलोंग द प्लेन वाला कंपोजिशन, बराबर। तो वो कितना आएगा, कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द प्लेन W cos 60। cos 60 क्यों लिया यहाँ पर, ये 30 है तो ये कितना रहेगा, 60। तो जो अलोंग प्लेन है वो रहेगा cos 60 और जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो रहेगा साइन 60, क्योंकि उसका प्लेन के साथ में एंगल 60 है, ये बात ध्यान में रखो। क्लियर,
उस वेट का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट कितना है, डब्ल्यू इंटू कॉस 60, डब्ल्यू मतलब वेट, 300 इंटू कॉस 60 150। अब देखो एरिया का प्लेट कितना है, 8.8 मीटर बाय 0.8 मीटर का स्क्वायर है, तो उसका एरिया कितना होगा, 0.8 × 0.8 0.64 मीटर स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी 0.3, एंगल ऑफ प्लेन 30 है, लेकिन वो जो वेट है वो 60 एंगल बना रहा है, ये बात ध्यान में रखा, इसीलिए 60 यहाँ पर। सो मतलब अलॉन्ग द प्लेन कितना वेट, कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, 150 है मैम। सो 150 अपॉन एरिया 0.64, ये हो गया शियर स्ट्रेस। डी यू कितना है, 0.3, क्योंकि प्लेन तो स्टेबल है, मूव सिर्फ प्लेट हो रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएंगी, 0.3 माइनस प्लेन की वेलोसिटी 0, 0.3 माइनस 0, 0.3 बराबर। तो डी यू कितना है, 0.3, डी वाई कितना है, 1.5 mm, दो बीच में का डिस्टेंस 1.5 mm, जो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 1.5 × 10⁻³⁰ - 3 मीटर। तो यहाँ से आप अब देखो, यहाँ हमारे पास सब मिल गया है, हमें शेयर स्ट्रेस भी मिल गया है, शेयर स्ट्रेस के बाद हमें डी यू मालूम है, डी वाई मालूम है, तो यहाँ से हम आराम से विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। टाउ कितना आ गया, 150 डिवाइड बाई 0.64 जो यहाँ पर है, ये हमने यहाँ से लिया, म्यू 0.3 ये रिलेटिव वेलोसिटी, और डी वाई ये 1.5 × 10⁻³⁰ - 3, ये अगर हमने पुट किया और कैलकुलेशन किया तो हमें मिलेगा विस्कोसिटी 1.17 न्यूटन पर सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पॉइज में निकाला तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 11.7 पॉइज। समझ में आ गया, ये एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार आ गया, आ चुका है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, द स्पेस बिटवीन टू स्क्वेयर फ्लैट पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विथ ऑयल, ईच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज 12.5 mm, द अपर प्लेट विच मूव्स एट 2.5 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड अ फोर्स ऑफ 98.1 न्यूटन टू मेंटेन द स्पीड, डिटरमाइन द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, एंड नंबर टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.95। ओके, अब दिया क्या क्या, देखो स्क्वायर प्लेट दिया है जिसकी साइज जो मतलब आपको क्या दिया है, इन शॉर्ट एक स्क्वायर प्लेट है जो दूसरे स्क्वायर प्लेट पे, ये स्क्वायर नहीं वर्क है, स्क्वायर क्या मालूम है क्या आपको, ठीक से बताता हूँ, अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, लेकिन इसको हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, क्लियर। तो स्क्वायर ऐसा है, मतलब आपको इस डायरेक्शन में स्क्वायर दिखेगा, क्लियर। तो आपको क्या दिया है, अभी टू स्क्वायर प्लेट जिसका साइज है 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर बाय 0.6 मीटर, और दोनों के बीच में कितना गैप है, 12.5 mm, और जो ऊपर की प्लेट है उसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड, बराबर। और इतनी वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो भी दिया है, 98.1 न्यूटन। ओके, नीचे वाले प्लेट की वेलोसिटी नहीं दी है तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो स्टेबल है, वो स्टेडी है, और दूसरी प्लेट उसके ऊपर स्लाइड हो रही है, तो उसके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी आएंगी, 2.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर की प्लेट, ये ऊपर की प्लेट है वो 2.5 मीटर की वेलोसिटी से मूव रही है। ओके, ये हो गया, बाकी का काम बहुत सिंपल है, हमें निकालना है डायनामिक विस्कोसिटी जिसका फॉर्मूला ये। ओके, उसके लिए हमें मिलेगा टाउ, तो हम टाउ यहाँ पर निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना दिया है, दिया है फोर्स यहाँ पर
98.1 न्यूटन, और एरिया प्लेट का एरिया कितना है 0.36, ये हो गया उसका शियर स्ट्रेस। डी यू हमने अभी निकाला, ये डी वाई उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 12.5 इंटू 10^-3, ये शियर स्ट्रेस, ये म्यू, ये डी यू और ये डी वाई 12.5, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.3635 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया, ये हमने अभी तक पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या पूछा था? डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, तो हमने डायनामिक विस्कोसिटी निकाली। अब क्या पूछा है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.95। व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी? हमने अभी अभी देखा है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो अगर हमें काइनेमिक विस्कोसिटी निकालना है तो हमें डेंसिटी मालूम चाहिए। डेंसिटी मालूम रहने के लिए हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया। ओके, सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, या पे ठीक से लिखता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑयल की डेंसिटी कैसे निकलेंगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो यहाँ पर लिखा है। ओके, तो उसकी डेंसिटी कितनी आएंगी? 950 केजी पर मीटर वर्ग। आ गई डेंसिटी, डेंसिटी निकाल ली। और ये जो डायनामिक विस्कोसिटी हमने ऊपर निकाल लिया, 1.3635 डिवाइड बाय 950 हो गया 0.001435 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको आपको स्टोक में निकालना है तो उसको 10^4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर स्टोक में मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया विस्कोसिटी के ऊपर के न्यूमेरिकल। अगले चैप्टर, अगले इसमें भी हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में हम हमारा अगला बिट शुरू करेंगे। थैंक यू।